नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी एक सांप और एक सपेरे की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग अक्सर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, कभी ऊपर वाले को दोष देते हैं तो कभी अपने नसीब को, तो कभी अपने नसीब को दोष देते हैं तो कभी कभी अपने माता पिता को दोष देते हैं। जो लोग अपने भाग्य से, अपने नसीब से परेशान हो चुके हैं, जो लोग हार तक कर बैठ गए हैं, ऐसे लोग आज की इस कहानी को पूरा सुने। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद कि आपको ढेरों सारी प्रेरणाएं मिलेगी और हो सके तो इस कहानी को अपनी औलाद को भी जरूर सिखाएं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के अंत में ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें आपको सुनने को मिलेंगी। यदि कोई बंदा इन चार बातों पर अमल करता है तो दोस्तों उसका जीवन सुखमय ही हो जाता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के अंत में सर्प ने ऐसी चार बातें बताई हैं और सर्प ने कहा है कि इन चार लोगों पर कभी विश्वास मत करना। दोस्तों, ये लोग चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, कितने ही संबंधी क्यों ना हो, अगर कोई बंदा इन लोगों पर यकीन करता है तो ये बिल्कुल सत्य है कि उन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता। वो लोग अपना जीवन सदा सदा के लिए गरीबी में व्यतीत करते हैं। प्रिय दोस्तों, कहीं ऐसे लोग आपके पास तो नहीं है, आपके घर तो आना जाना नहीं है, या आपके बच्चों के मित्र तो नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पता हो सके कि कौन से लोगों से मित्रता नहीं करनी है, किन लोगों को घर पर नहीं रखना है, किन लोगों को घर पर नहीं बुलाना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास अलग अलग तरीके के कई सांप थे जिन्हें वे अपने साथ बाहर ले जाकर खेल दिखाता था और इसी से उसका जीवन व्यापन होता था। एक बार की बात है कि सपेरा शाम को अपने काम से कहीं बाहर जाता है और जब वह कुछ घंटों की, तो उसके जितने भी सांप थे सब घर से गायब हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब वह सपेरा चारों तरफ नजर घुमाता है और उसे एक व्यक्ति का जूता पड़ा हुआ दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का जूता पड़ा हुआ देखकर वो सपेरा समझ जाता है कि जरूर यहां पर कोई आया था जो मेरे सांप को ले गया है। लेकिन सांप उस सपेरे के लिए केवल जीव जंतु नहीं थे, बल्कि वह तो उन्हीं पर आधारित था और उसकी रोजी रोटी सांपों से ही चलती थी। प्रिय दोस्तों, इस बात को तो आप भी जानते होंगे कि पहले के जमाने में सपेरा लोग सांप पकड़कर ही अपना जीवन व्यापन करते थे, लोगों को दिखाकर पैसे लेते थे। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से उस सपेरे का जीवन व्यापन हो रहा था, लेकिन जब उसके सांप चुर जाते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अब वो सपेरा अपने पड़ोसियों से जाकर पूछता है, लेकिन किसी भी पड़ोसी को कुछ पता नहीं है कि कौन उस सपेरे के घर में आया और वहां से उसके सांपों को चोरी करके ले गया। प्रिय दोस्तों, वो सपेरा और कोई नया काम भी नहीं जानता था। अब उसे तो सांपों से प्यार था, इसलिए उसका सारा जीवन सांपों के पास रहकर ही गुजरता था। प्रिय दोस्तों, अब उस सपेरे को सांप चोरी हो जाने से बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी छिन चुकी थी और इसी वजह से वो सपेरा खाना भी नहीं खाता है और सारी रात दुखी होकर रोता रहता है। मानो उस सपेरे की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन वह सोचने लगा कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ी लाने का काम कर लूं, वही मेरे लिए उत्तम रहेगा।
यही सोचकर अबू सफीरा सुबह जल्दी उठा और उठकर जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल पहुंचते ही वे नदी के किनारे एक सूखे गिरे हुए पेड़ की लकड़ियां काटने लगता है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और सभी को एक साथ बांधकर अपने घर के लिए निकलने लगा। प्रिय दोस्तों, तभी उस सफेरे की नजर एक बहुत विशाल सांप पर पड़ी। सांप एक पत्थर के नीचे कुंडली मारकर बैठा हुआ था। प्रिय दोस्तों, उस सफेरे को वो सांप की कुंडली कुछ अलग सा एहसास करवा रही थी। सांप को देखकर, सांप की कुंडली को देखकर उस सफेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा सांप उसने आज तक नहीं देखा था और ये सांप सुनहरा दिखाई दे रहा था और इस सांप की आंखों में एक सम्मोहन छुपा हुआ था। यदि इसे कोई देख ले तो देखता ही रहे। ऐसी अद्भुत काया से भरा हुआ विशाल सांप जिसने सपेरे का मन मोह लिया था। दोस्तों, प्रिय दोस्तों, ये सपेरा सांप को पकड़ने में बहुत माहिर था और इसलिए वो सपेरा अपना सम्मोहन हटाते हुए सांप की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पीछे से जाकर सांप के सर से पकड़ लेता है। प्रिय दोस्तों, सपेरे की सांप पकड़ते ही सांप एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद सपेरा लकड़ियों को फेंक देता है और सांप को लेकर जंगल से वापस आ जाता है। सपेरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे जीने का एक सहारा मिल चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सांप तो अलग ही था और कुछ दिनों में सपेरे को भी यह महसूस होने लगा। एक दिन सपेरा अपने घर की मरम्मत करने के लिए मिट्टी खोदने अपने घर के आंगन में आता है, लेकिन उसका वो सांप कुंडली मारे आंगन में बैठा होता है। ये देखकर उस सपेरे को बहुत ताजुब होता है, क्योंकि उस सांप को तो इस वक्त अंदर होना चाहिए था, वे बाहर कैसे आया। वो सपेरा फिर से सांप को पकड़कर दोबारा अपने पिटारे में बंद कर देता है और वापस आकर फिर से मिट्टी खोदने लगता है। और उसी जगह मिट्टी खोदने लगता है जहां पर वो सांप कुंडली मार कर बैठा था। थोड़ी सी ही मिट्टी खोदने के बाद उसमें कुछ सोने के सिक्के उस सपेरे को मिल जाते हैं। प्रिय दोस्तों, वो सपेरा उन सोने के सिक्कों को देखकर उछल पड़ता है और इतना सारा धन उसने आज तक नहीं देखा था। प्रिय दोस्तों, वो सपेरा उन सोने के सिक्के को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि अगर एक जगह से ये सिक्के मिले हैं तो हो सकता है और भी जगह यहां मिल सकते हैं। और वो सपेरा बाहर जाकर अपने पूरे आंगन की मिट्टी खोद डालता है, लेकिन वहां मिट्टी और कंकड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद सपेरा हिम्मत हार कर अंदर चला जाता है और कुछ देर तक बैठे रहने के बाद उसके दिमाग में विचार आता है कि कहीं ये सांप का तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ये सोने के सिक्के मिले हैं वहां पर ये सांप कुंडली मार कर बैठा था। प्रिय दोस्तों, यही सोचकर उस सपेरे का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वह तुरंत सोचता है कि जब जंगल में सांप मिला था तो वहां भी कुंडली मार के ही बैठा था। हो सकता है उसके नीचे भी कुछ धन मिल जाए। यही सोचकर वो सपेरा कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और उसी चट्टान के पास पहुंच जाता है जिसके ऊपर वो सुनहरा सांप बैठा हुआ था, और उस पत्थर को हटाने के लिए जोर लगाने लगता है। लेकिन उस चट्टान को हटाना उसके बस की बात नहीं थी, वह बहुत बड़ी चट्टान थी। लेकिन उस सपेरे के मन में लालच का बीज आ चुका था। उस सपेरा को तो अब किसी भी हालत में धन चाहिए था। उसने वही जंगल में कुछ बनवासी लोगों की मदद से उस पत्थर को उस जगह से हटा दिया और उन लोगों के सामने ही वहां पर खोदने लगा। और कुछ ही समय में वहां से बहुत बड़ा पीतल का एक संदूक निकला। संदूक देखते ही सपेरे के चेहरे में खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वो सपेरा इस बात को भूल गया था कि उसने आदिवासियों के सामने ही उस खजाने को खोदा था। और सपेरा जैसे ही संदूक खोलता है तो उसमें हीरे, मोती, जवाहरात, असरफियां भरी हुई थी। तभी वहां पर अचानक वनवासियों का एक समूह सपेरे को पकड़ लेता है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है कि वनवासी लोग जंगल को अपना देव स्थान मानते हैं।
और वहां से कोई भी चीज किसी को भी ले जाने नहीं देते हैं। सपेरा गुस्से से उनका विरोध करने लगता है, लेकिन बनवासी उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर अपने सरदार के सामने खड़ा कर देते हैं और वहां पर घटित हुई सारी सारी बातें बता देते हैं। बनवासियों का सरदार बहुत जालिम होता है और जंगल में किसी भी घुसपैठ करने वाले को मौत की सजा देता है। और सारी बात सुनते ही सरदार सपेरे को भी पहाड़ी के ऊपर से घने जंगल में फेंकने का आदेश देता है। प्रिय दोस्तों, सरदार का आदेश पाते ही बनवासी लोग उस सपेरे को पकड़कर और फाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही बनवासी लोग उस सपेरे को फाड़ी से नीचे फेंकते हैं तो सपेरा उस पहाड़ी से नीचे गिरते हुए उसी सांप का स्मरण करता है, उसे याद करता है। प्रिय दोस्तों, जैसे वो सपेरा उस सांप को याद करता है तो तुरंत वो सांप उसके सामने हाजिर हो जाता है, उस सपेरे को दर्शन देता है और ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें वो सांप उस सपेरे को बताता है। सांप सबसे पहली बात कहता है, प्रिय दोस्तों, सांप उस सपेरे से कहता है, रे मूर्ख, तुझे इतना भी पता नहीं है कि संसार में चार ऐसी चीज हैं जिनको पर्दे में रखना पड़ता है, और जब तक ये पर्दे में रहती है तो व्यक्ति का जीवन सुखमय ही होता है, और जब ये चीज पर्दे से बाहर आ जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। सांप सबसे पहली चीज बताता है कि धन, जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास, जिस जीव जंतु के पास धन होता है, वो जब तक पर्दे में रहता है जब तक वो धन उसका होता है, और जब वो धन पर्दे से बाहर आ जाए तो वो धन उसका नहीं होता, क्योंकि इस संसार में छीनने वाले बहुत बैठे हैं, इसलिए धन को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। सांप और कहता है कि अरे मूर्ख सपेरा, तूने तो ऐसी गलती कर दी कि सारे आदिवासी बनवासी लोगों को लेकर तूने धन की खुदाई करना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों के सामने धन को निकालकर हीरे मोतियों को देख रहा है, असरफियों को देख रहा है। क्या वो बनवासी लोग इतने पागल हैं जो हाथ में आए धन को छोड़कर चले जाएंगे, और इसीलिए ये तुम्हारा पतन हो रहा है। सर्प अब दूसरी बात बताता है। सर्प कहता है कि मूर्ख सपेरा, दूसरी चीज है भजन। भजन को भी हमेशा पर्दे में करना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। यदि भजन को भी आप पब्लिक के सामने करोगे, दुनिया के सामने भजन करोगे, तो वो भजन भजन नहीं होगा। वो भजन आपका किसी काम का नहीं है, वो एक तरह से गीत हो जाएगा जिसे हर कोई गा सकता है। भजन एक ऐसी चीज है जो पर्दे में होता है, पर्दे में किया हुआ भजन ही फलीभूत होता है, इसलिए धन और भजन हमेशा पर्दे में होना चाहिए। सर्प अब तीसरी चीज बताता है। सर्प कहता है कि तीसरी चीज है भोजन। भोजन भी हमेशा पर्दे में ही अच्छा होता है। यदि आप खुले में भोजन करेंगे तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। हर कोई आने जाने वाले लोग आपकी थाली की तरफ देखेंगे, आप जो खा रहे हैं भोजन उसकी तरफ देखेंगे। भले ही आप सूखी रोटी खा रहे हो, लेकिन फिर भी आने जाने वाले लोग आपकी सूखी रोटी को बड़े गौर से देखेंगे, और आपकी उसी सूखी रोटी को देखकर सामने वाले के मुख में पानी आना शुरू हो जाता है। वो सोचने लगता है कि पता नहीं इस सूखी रोटी में भी ऐसा क्या है जो ये बड़े मजे से खा रहा है, खास खास मैं भी इस रोटी को एक बार चख के देखता। यही वजह है, इसलिए भोजन को हमेशा पर्दे में करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, सांप अब आखिरी और चौथी चीज बताता है। सांप कहता है कि मूर्ख सपेरा, चौथी चीज है पत्नी। आपकी पत्नी जब तक पर्दे में रहती है तब तक वो आपकी पत्नी है, और जब खुले में पत्नी रहने लग जाए तो वो संसार की पत्नी हो जाती है। पत्नियां हर व्यक्ति का मान सम्मान होती है। बहन बेटी जो होती है हर व्यक्ति का मान सम्मान होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, और जब पत्नियां यदि खुले में जाने लग जाए
तो आपकी मान प्रतिष्ठा भंग हो जाती है, आपका मान सम्मान भंग हो जाता है। इसलिए पत्नी भी हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें उस मरते हुए सपेरा को सांप बताता है। सांप कहता है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये धन तुम्हारे नसीब में नहीं था, मिलता वही है जो नसीब में होता है। इस संसार में जो चतुर और ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। इस संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी लालच होती है, और लालच में ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानियां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।